रिकॉर्डिंग भी हमारी ब्रेक हो रही है। उसके बाद सुंदर और भव्य कमल बनाए गए सर, बार-बार पे डिस्प्ले और सभी जंगली जानवरों का इस प्रकार चित्रण करा गया कि मानो पूरा वन्य संसार बुद्ध की आराधना के लिए उमर पड़ा हो। ये सारी हमें जो आर्किटेक्चर के आर्ट के फॉर्म में उस आर्किटेक्चर में दिखाई देता है, ठीक है ना। नागार्जुन कोंडा स्तूप, नागार्जुन कोंडा स्तूप की निर्माण शैली उत्तर भारत से अलग है। नागार्जुन कोंडा मैं बता दूं पहले कि नागार्जुन कोंडा है आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना, नियर हैदराबाद। तो नागार्जुन कोंडा स्तूप की निर्माण शैली उत्तर भारत से अलग है। इसमें बीच की ओर और बाहरी की दो दीवारें कमानी की तरह बनी दीवारों से जुड़ी हुई हैं और बीच के हिस्से को मिट्टी, छोटे पत्थरों, ईंट के टुकड़ों से भर दिया गया है। अब जरा इसको चित्र के रूप में और देख लेते हैं। यह आप देखोगे कहाँ गया, यहाँ है ये वाला। ये नजर आ रहा है स्क्रीन, नजर आ रही है स्क्रीन? हेलो, मेरी आवाज जा रही है सबके पास? पीसी की आ रही है सर। हाँ ठीक है, तो ये स्क्रीन तो नजर आ गई। हाँ सर, इस स्क्रीन में देखो, ये नागार्जुन कोंडा के कुछ अवशेष हैं। ये एक स्तूपा है, ठीक है, यहाँ एक बुद्ध मूर्ति खड़ी है और इधर ये छोटे छोटे चैत्य और ये छोटे छोटे स्नानागार ऐसा कुछ हो सकते हैं, ठीक है, काफी चीजें। यहाँ आएंगे तो ये भी नागार्जुन कोंडा में ये एक रिलीसिस है, अवशेष है, ऐसा ही आप जो है वहां देखते हो नालंदा में। नालंदा में भी ऐसा ही है ना, और नागार्जुन कोंडा में भी इसी तरह का एक अवशेष के रूप में स्तूप नजर आता है। फिर इसके बाद इसको और नजदीक से देखें तो ये एक, मुझे लग रहा है कि ये कोई प्लेस होगा जहां पर बुद्ध का स्टेचू खड़ा होगा, ठीक है। यहाँ ये दिखाई दे रहा है, लोग यहाँ बैठ के ध्यान करते होंगे। ये एक स्तूपा नजर आ रहा है, ये अवशेष है सारे। तो ये रिलीसेस हैं नागार्जुन कोंडा के, एक स्ट्रक्चर है स्तूपा का, इस पर भी काफी कुछ उकेरा गया हुआ है। हमारे देश में आक्रमण बहुत हुए हैं, तो उन आक्रमणों में ये काफी जो पुराने प्राचीन समय की जो चीजें हैं वो जीर्ण शीर्ण हो गई और या फिर वो अब अवशेष रूप में मिलती हैं, ठीक है। जैसे ये जगह, ये छोटे चैत्य का एक जगह है, ठीक है, एक चैत्य का जगह है और एक ये सिंबल भी बना हुआ है। ये देखो, ये सिंबल हमारे घरों में बना होता है, ये सिंबल है ना, कुछ क्या बोलते हैं इसको, गाँव में घर पे भी लोग बनाते हैं इसको। तो ये सब प्राचीन फॉर्म्स हैं, ये चार आर्य सत्य को बताता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि जीवन के चार सत्य। आगे बताऊंगा जब फिलॉसफी आएगी, जब इसके बारे में।
ये कुछ वहां पर की गई चित्रकारियां हैं ऑन रॉक रॉक एडिक्ट्स। ठीक है, तो ये जो सारी जगह है ये सब नागार्जुन कोंडा है में है, नागार्जुन कोंडा इन आंध्र प्रदेश। ये कोई स्नानागार है, ठीक है, ओके। ये भी किसी पत्थर पर सारा ये बना हुआ है, ये सब चीजें। तो यहाँ से और क्या चीज है, ये भी कोई जगह है, काफी सारी जगह है। बहरहाल Now come back. So here we see Nagarjun Konda stoop, जो अभी देखा कि निर्माण शैली उत्तर भारत से अलग है, उत्तर भारत से अलग भी दिखाई गई दिख रही। इसमें बीच की ओर और बाहर की दो दीवारें कमानी की तरह बनी दीवारों से जुड़ी हुई हैं, और बीच के हिस्से को मिट्टी और छोटे पत्थरों ईंट के टुकड़ों से भर दिया गया है। इस स्तूप का वृत्त 30 मीटर है और ऊंचाई 18 मीटर है, काफी ऊंचाई है। फिर भी इस ढोल का कार इमारत के कमानी की तरह से, ये जो पहला वाला जो एक ये था ना, दिखाता हूं अभी, ये जो पहला वाला आपके सामने आया था, ये वाला, ये इसका जिक्र कर रहे हैं। ये कमानी की तरह से इसकी दीवार है दोनों साइड से, ठीक है, पूरे गोल आकार ना होकर के कमानी की तरह से इसकी वॉल्स हैं, तो इसको बता रहे हैं। तो इस स्तूप का वृत्त 30 मीटर, 30 मीटर की ये गोल घेरे में, और ऊंचाई इसकी 18 मीटर। इस ढोलाकार इमारत के बाहरी हिस्से में नक्काशीय संगमरमर के पत्थर लगाए गए हैं। अच्छा, संगमरमर का काम भी उस समय से चल रहा है। इस इमारत का ऊपरी हिस्सा चूने और गारे की सहायता से अलंकृत किया गया है। चूने और गारे का काम जो है आपके मुगल काल में भी बहुत होता है, आगरा का है वो, मैं बाद में बताऊंगा। इसके चारों तरफ बाहरी और चार छज्जे निकले हुए हैं। तो ये छज्जे, छतरी, गुंबद, ये सब सारी चीजें आपकी, देखिए, हमारे प्राचीन समय के ही भारत की हैं। मुगल काल में बस इसको अडॉप्ट किया गया, ठीक है, कुछ इस्लामिक आर्ट के साथ में बस अडॉप्ट किया गया, और हमारे पास एक नई तरह की इमारतें भारत में मध्य काल में आती है, यानी मिडिल पीरियड में आती है। चार छज्जे निकले हुए हैं और पांच स्तंभों की एक पंक्ति की सहायता से टिके हुए हैं। इस स्तूप का महत्व तो सुंदर पैनलों द्वारा बुद्ध के जीवन चक्र का चित्रण करने के कारण है। अच्छा, इसमें वर्णित महत्वपूर्ण दृश्य इस प्रकार हैं। बोधिसत्व से पृथ्वी पर जन्म लेने की प्रार्थना करते हुए देवता। अच्छा, ये दिखाया गया है कि लोग जो है ये चाह रहे हैं कि कोई बोधिसत्व, बुद्ध की तरह से कोई बोधिसत्व आए। बुद्ध बनने से पहले का जो प्रक्रिया होती है वो बोधिसत्व की होती है। बुद्ध बनने से पहले की प्रक्रिया बोधिसत्व है, और यहाँ पर ये प्रार्थना करते दिखा रहे हैं बोधिसत्व की, कि किसी एक ऐसे पुरुष की जरूरत है जो पृथ्वी पर शांति लाने के लिए आए। तो ऐसा कुछ प्रार्थना करते हुए देवता यहाँ दिखाए गए हैं। शायद हमारे को अभी ये कुछ हमने चित्रकारी देखी थी ना रॉक एडिट, उसमें उस तरह की चीजें नजर आएंगी। सफेद हाथी की शक्ल में गर्भ में प्रवेश करते बुद्ध, यह महामाया से संबंधित है। महामाया ने जब जो है सिद्धार्थ को जन्म दिया था तो सफेद हाथी के उसमें, एक पुष्पित वृक्ष के नीचे बुद्ध का जन्म। देश के अनेक हिस्सों में बड़ी संख्या में स्तूप पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए दो स्तूप मथुरा में पाए गए। वस्तुतः इस युग में स्तूप स्थापत्य का विकास विशेष शैली में हुआ। स्तूपों की यह शैली विभिन्न क्षेत्रों में भी पाई जाती है, जिससे स्तूपों को बनाने वाले कारीगरों की गतिशीलता तथा एक दूसरे पर प्रभाव पता चलता है। इस बात को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देश के अनेक हिस्सों में बड़ी संख्या में स्तूप पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये तो हमने काफी नॉर्थ से लेकर साउथ तक देखा। उदाहरण के लिए दो स्तूप मथुरा में दो स्तूप में बड़े। वस्तुतः इस युग में स्तूप स्थापत्य का विकास शैली में हुआ। अब क्या है कि स्तूप का जो विकास हो रहा है, एक हमें सिंधु घाटी सभ्यता में स्तूप नजर आता है, फिर मगध काल में भी नजर आता है, आते हैं स्तूप। उसके बाद फिर हम साउथ में देखें तो साउथ में कुछ दूसरी शैली नजर आती है। साउथ में जो शैली नजर आती है वो नालंदा से जरूर मैच करती है, कि नालंदा का जो
तिरछी दीवार वाला जो स्तूप था उसी तरह का यहाँ पर भी ये नागार्जुन कोंडा में नजर आता है। तो ये विकास है इसके, यानी कि उसका विकास, यानी कि आगे जो आर्किटेक्चर है उसमें चेंजेस के साथ डेवलपमेंट हो रहा है। स्तूपों की यह शैली भिन्न भिन्न पाई जा जाती है, जिससे स्तूपों को बनाने वाले कारीगरों की गतिशीलता, कारीगरों की गतिशीलता यानी कि पहले कारीगरों ने स्तूप को किसी शक्ल में बनाया था और उससे 100 साल वाले कारीगर या 500 साल वाले कारीगरों ने उस स्तूप को थोड़ा सा और दूसरी शेप दी, दूसरी शक्ल दी, लेकिन था वो स्तूप ही, ठीक है, तथा एक दूसरे पर प्रभाव का पता चलता है। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो आर्किटेक्चर्स हैं एंशियंट समय से, जो सिंधु घाटी काल से आर्किटेक्चर चलते आए हैं, तो उसमें काफी समानता हमें सिंधु काल से लेकर के आगे जो है मध्य काल तक और कॉलोनी पीरियड तक दिखाई देती है। गुफा स्थापत्य, गुफाओं का गुप्त काल से सैकड़ों वर्ष पूर्व स्थापत्य अवशेषों में स्तूपों, उनके प्रवेश द्वारों, रेलिंग के अतिरिक्त छोटी पहाड़ियों को काटकर बनाई गई कृत्रिम गुफाएं शामिल हैं, जो धार्मिक उद्देश्यों के लिए बनाई जाती थीं। आरंभिक नमूनों को देखने से प्रतीत होता है मानो पत्थर में लकड़ी पर की जाने वाली कला की नकल की गई हो, यानी पत्थरों पर ऐसा काम किया गया कि जैसे लकड़ी पर किया गया होता है, लेकिन लकड़ी पर इस काम को करना आसान है, पत्थरों पर तो बहुत मुश्किल है, लेकिन पत्थरों पर ऐसा काट काट के बहुत अच्छा सुंदर काम किया गुफाओं में। बिहार में बाराबर पहाड़ी के निकट ऐसी दो गुफाएं प्राप्त हुई है, जो हमने कुछ दिन पहले देखा था, बाराबर की जो गुफाएं थी। अशोक ने ये गुफाएं आजीविक बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए बनाई थी, ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई थी। इस गुफा में एक आयताकार बाहरी कक्ष है जिसके एक सिरे पर आंतरिक कक्ष बना हुआ है, इसकी दीवारों पर नक्काशी है और ऊपर गुफा की छत है। पूर्व गुप्त काल में अन्य प्रकार के भवनों के डिजाइनों के निर्माण में लकड़ी पर होने वाली नक्काशी के मॉडल को ही आधार रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यानी लकड़ी पर भी इस तरह के काम शुरू हो गए। हालांकि हमें भारत के कई हिस्सों में निर्मित मंदिर और मठ प्राप्त होते हैं, भारत के कई हिस्सों में गुफाओं के अंदर भी मंदिर और मठ प्राप्त होते हैं, परंतु सातवाहन साम्राज्य आपका आंध्र प्रदेश से शुरू होता है, ठीक, आंध्र प्रदेश में ही सातवाहन साम्राज्य आपका ये मशहूर एक साम्राज्य सातवाहन, इसी में एक नागार्जुन हुए थे और ही नागार्जुन ने महायान एक परंपरा शुरू की थी और उन्हीं नागार्जुन से नागार्जुन कोंडा भी है जो अभी हमने देखा। सातवाहन में एक गुरु थे नागार्जुन, नागार्जुन से ही नागार्जुन कोंडा है। तो परंतु सातवाहन साम्राज्य और उनके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पश्चिम दक्कन के में इस दिशा में विशेष कार्य हुआ। पश्चिम दक्कन का हिस्सा दरअसल कर्नाटक का हिस्सा होता है, ठीक है। सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण कृत्रिम गुफाएं यहीं पाई जा गई हैं। पूना के निकट, मतलब मध्य प्रदेश, सॉरी इसका कर्नाटक का और एमपी का, सॉरी महाराष्ट्र का, ये दोनों मिलके जो है पूर्व पश्चिमी दक्षिण बनता है। पूना के निकट भाजा में पाई गई सबसे पुरानी गुफाएं भवन निर्माण की दृष्टि से बिल्कुल साधारण किस्म की हैं। कार्ले में बना विशाल चैत्य कक्ष गुफा स्थापत्य का सुंदर नमूना है, जिसका निर्माण संभवतः ईसवी के आरंभ में हुआ था। चट्टान को 12 फीट की गहराई तक काटकर इसका निर्माण किया गया। इसका पैटर्न भाजा और दक्षिण, तो ये आप देखें कि गुफाओं के बारे में इसको बताया गया है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कहाँ की, एक मिनट, फिर औरंगाबाद की गुफाओं का जिक्र आ रहा है, जिसमें कि अजंता है, एलोरा है, उसकी चर्चा की जा रही है, जो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और राष्ट्रकूट जो शासक थे कृष्ण, उनके काल में भी इस पर काम नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप पढ़ेंगे तो ये एक तरह का ऐसे है, किस पर आधारित, गुफाओं पर आधारित ये ऐसे है, ऐसे निबंध। तो अगर आपको ऐसा कोई लिखने के लिए आए तो आपको ऐसा लिखने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा इस तरह की चीजें, ठीक है। तो एक तरह का बहुत बड़ा टूरिज्म है ये भारत का, ये सारी चीजें आर्ट आर्किटेक्चर आर्कियोलॉजी बहुत बड़ा टूरिज्म है, और खासकर वेस्टर्न टूरिस्ट का सबसे बड़ा इंटरेस्ट इन चीजों को लेकर के, जैसे मामलापुरम ये दिखाया गया है, ये भी गुफाओं से संबंधित है या फिर किससे संबंधित है, लेकिन ये पुराना फॉर्म है, यहाँ आया है क्या इसके बारे में, देखें जरा
पत्थर को काटकर मूर्ति बनाई जाती थी, उसी प्रकार चट्टान को काटकर मंदिर परिसर का निर्माण। अच्छा, ये चट्टान को काट के, पूरा एक चट्टान को काट के मंदिर परिसर बनाया हुआ है, जिसमें पूजा गृह, प्रवेश द्वार, खंभे, छोटे छोटे गर्भगृह, उपासना कक्ष, देवी देवताओं की मूर्तियां, छोटे छोटे दृश्य बनाए गए हैं। भारतीय कला का यह नमूना अपूर्व और अनूठा है। कैलाशनाथ मंदिर की निर्माण योजना, आवाज बहुत कट रही है, पार्थेनान के आकार की ही है, परंतु इसकी ऊंचाई अपेक्षाकृत आधी है। बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। अब देखो यहाँ पर तुम्हारी भी, मेरे को आप लोगों की आवाज कुछ लोगों की लहराई हुई दिखाई देती है, बाकी की तो ठीक आती है। तो कहीं कहीं ये जो है क्लाइमेट के वजह से नेटवर्क में बड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं। हालांकि फिलहाल में अभी हमारा ये चल रहा है नेट। चट्टानों को काटकर बनाए जाने वाले मंदिरों में कैलाशनाथ मंदिर प्राचीनतम नहीं है। चट्टानों को काटकर बनाए जाने मंदिरों में कैलाशनाथ मंदिर प्राचीनतम नहीं है। पल्लव शासकों के संरक्षण में ग्रेनाइट की बड़ी चट्टानों को काटकर मामल्लपुरम के निकट तट पर 17 मंदिर बनाए गए। तो ये पल्लव शासकों के काल में जो है मंदिर बनाए गए। पल्लव शासक जो है ये आपके मध्यकाल की जब शुरुआत होती है तब ये सारे शासक आते हैं। मध्यकाल प्राचीन के बाद मध्यकाल आता है तब ये सारी चीजें बनाए गए। हम देखे ना साउथ इंडिया का सारा स्टार्ट होता है। इन मंदिरों के निर्माण में भी लकड़ी के बने भवनों में प्रयुक्त स्थापत्य शैली की नकल की गई है। जैसा मंदिर के निर्माण लकड़ी के बने भवनों जो पहले लकड़ी के बनते थे उनकी यहाँ पर भी नकल है। इन मंदिरों की शैली अलग है, संभवतः द्रविड़ शैली से प्रभावित है। जो आप यहाँ शैली देख रहे हो ये द्रविड़ शैली है, ठीक है। बंबई के निकट एलिफेंटा नामक द्वीप में निर्मित गुफा मंदिर के अपने आप में अनूठी है। एलिफेंटा केव, यह मंदिर अपनी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। शिव की त्रिमूर्ति यहाँ भी की विशेषता है। अब यहाँ मंदिर निर्माण से हमारे साउथ की कुछ चीजें और हो जाएंगी। मंदिर निर्माण के और ढंग से देख लेते हैं एक बार और। हालांकि पहले भी देखा था, ये बृहदेश्वर मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर का आर्किटेक्चर को जरा पढ़ते हैं जरा जल्दी। मंदिर स्थापित्य की विशेषता थी कि इसे इसके निर्माण स्थल से के नाम से पहचाना जाने लगा, जैसे जंदियाल, तक्षशिला आदि। इनमें एक चौकोर गर्भगृह, पूजा गृह, बैठक कक्ष, आंगन, बाहरी और अंदरूनी प्रवेश द्वार और इनसे लगे पुरानी पद्धति से बने दो स्तंभ होते थे। जंदियाल मंदिर संभवतः जोरास्ट्रियन धार्मिक स्थल है। ये जोरास्ट्रियन है यानी कि पारसियों का। जंदियाल जो मंदिर है ये पारसियों से संबंधित आ रहा है, ठीक है ना। जोरास्ट्रियन धार्मिक स्थल यानी कि पारसी लोग। गुप्त काल के खासकर पश्चिम भारत में अनेक मंदिर मिलते हैं, उन सब की निर्माण शैली में समानता है। स्तंभों पर आमतौर पर नक्काशी की गई है, खंभों की आकृतियां। तो जो दिखाई दे रहा है इसको जरा रीड करो, जस्ट रीड इट। मैं मैसेज देता हूँ, एक मिनट। हाँ, जिनको आवाज नहीं आ रही है उसको पढ़ सकते हैं। गुप्त काल के खासकर पश्चिम भारत में अनेक मंदिर मिलते हैं, उन सब की निर्माण शैली में समानता है। गुप्त काल और मैं जो खासकर पश्चिम भारत में बहुत सारे मंदिर हैं और निर्माण शैली भी समान है। स्तंभों पर आमतौर पर नक्काशी की गई है और स्तंभ मतलब खंभों पर, और खंभों की आकृतियां भी एक जैसी है जिन पर पशुओं की आकृति बनी हुई है। प्रवेश द्वार पर आमतौर पर पौराणिक दृश्य, ठीक है ना, तथा व्यक्तियों के चित्र की नक्काशी की गई है। गुप्त काल के सभी मंदिर छोटे हैं। गुप्त काल के जो मंदिर है वो छोटे हैं और इनकी छतें सपाट हैं। छतें गुप्त काल में हमें सपाट नजर आती है, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया आपको सपाट छतें, ठीक है, सपाट छतें नजर आती हैं। और झांसी के निकट देवगढ़ का मंदिर 6वीं शताब्दी में बना गुप्तकालीन मंदिर कला का उत्कृष्ट नमूना है। इसमें लोहे की सरियाओं का उपयोग किया गया है।
गर्भ ग्रह के ऊपर एक छोटी मीनार बनाई गई है। इमारत के चारों ओर छत से घिरा हुआ बरामदा है। मंदिरों का खूब अलंकरण किया गया है और यहाँ तक कि अंधकार युक्त पूजा ग्रह में भी मात्र दीप की रोशनी प्रकाश फैलाती है। यह अलंकरण किया जाता है। इस अलंकरण के बावजूद गुफा स्थापत्य की परंपरा ने स्थापत्य को जनता से जोड़ने की अहम भूमिका निभाई। यानी इस आर्किटेक्चर ने लोगों से जुड़ाव होता है। भारी कंगूरे, मजबूत स्तंभ, अपनी ऊंचाई की अपेक्षा अधिक चौड़े और मजबूत आधार वाले शिखर भारतीय मंदिर स्थापत्य को शक्ति और मजबूती का प्रतीक बना देते हैं। इसमें किया गया अलंकरण इसकी नफासत को दर्शाता है। भारत जैसे बड़े उपमहाद्वीप में मंदिर स्थापत्य में सर्वत्र अभूतपूर्व समानता मिलती है, परंतु विद्वान इसे दो प्रमुख शैलियों में और कई स्कूलों में बांटते हैं। ठीक है, उत्तरी या भारतीय शैली में एक गोल और वृत्ताकार शिखर बना होता है, जबकि दक्षिण भारत दक्षिण या द्रविड़ शैली के मंदिरों में यह पिरामिड की भांति उठा हुआ होता है। हाँ, क्या पूछ रहे हो हर्ष? गलती से लग गया सर। अच्छा, छठवीं आठवीं शताब्दी में पल्लव और चालुक्य राजाओं के संरक्षण में मंदिरों का निर्माण तेजी से आगे बढ़ा। पल्लव राजा और चालुक्य राजाओं के ने जो है मंदिर निर्माण को आगे बढ़ाया। ठीक है, मामलापुरम, कांची, बादामी के मंदिर उत्कृष्ट उदाहरण है। मामलापुरम और कांची जो है इसमें तमिलनाडु में, और बादामी जो है यहाँ पर कर्नाटका के मंदिर उत्कृष्ट उदाहरण है। इन शैलियों में लकड़ी के भवनों और गुफा स्थापित से धीरे धीरे मुक्ति पाने के आकांक्षा दिखाई पड़ती है। यानी कि लकड़ी के भवनों से हटके जो है पत्थरों के ऊपर कार्य करने की बात आ रही है। कांची के समुद्र तटीय मंदिरों में पल्लव शैली की पराकाष्ठा दिखाई देती है। ठीक है, कांची के इन मंदिरों इस मंदिर में एक पिरामिड नुमा शिखर है। पिरामिड नुमा शिखर ये आपका तंजौर का है ना, ये तंजौर का ये वही है, पिरामिड नुमा दिखाई दे रहा है, पिरामिड जैसा। ठीक है, पिरामिड और भी पिरामिड ऐसे बहुत सारे हैं वहां जो अर्धगोल गुंबद के आकार में बना हुआ है। यह बौद्ध स्तूप की बुर्जी जैसा लगता है। तो यहाँ पर बौद्ध स्तूप की बुर्जी जैसा ये भी है, और कुछ हमने देखे थे कि लंबे से जो है लंबे वाले भी देखे थे। ठीक है ना, क्योंकि जो पुराना आर्किटेक्चर आता है वो नए आर्किटेक्चर के साथ मिल करके कुछ दूसरी कला बनती है ना। चोल शासन काल में पल्लव शैली का विकास। ये एंशियंट का आर्किटेक्चर है, ये वाला, ये गुप्त काल के बाद का है। मिडविल की जब शुरुआत हुई थी ना, यानी कि पोस्ट गुप्ताज अर्ली मिडविल, उस वक्त का है जब ये सब होते ना, ये पल्लव चालुक्य ये तब का हो रहा है। ठीक है, तो जो बाद में आर्किटेक्चर्स भी आए हैं तो उनमें जो पुराने